तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत सरकार के एक नए पोर्टल के बारे में जिसका नाम है जैम, GEM, जैम। तो जैम पोर्टल क्या है, क्या आपको वास्तव में इससे प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके का कितना प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हैं और भारत सरकार का इस जैम पोर्टल को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, किस तरीके से जो है आप ई कॉमर्स के सिस्टम को इस ई कॉमर्स सिस्टम के माध्यम से आप भी आगे बढ़ सकते हैं और एक डिजिटल दुनिया के माध्यम से आप काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं इस जैम के माध्यम से। तो किस तरीके से आप इसमें रजिस्टर्ड करेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं, क्या क्या सामान बिकेगा, किस तरीके से बिकेगा, सरकार की इसको लेकर क्या गाइडलाइन है और आप किस तरीके से ज्यादा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सारी की सारी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको इस जैम पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो पर बने रहिए और साथ ही साथ भारत सरकार, राज्य सरकार, टेक्निकल से संबंधित तमाम नई नई योजनाएं, तमाम नई नई जानकारी सबसे पहले घर बैठे अपने मोबाइल पर पानी में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही घंटी के साथ दबाकर बाल पर क्लिक कर दीजिए ताकि घर बैठे आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इससे पहले ONDC पोर्टल भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया था, जहाँ पर जो है जिस तरीके से अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप खरीदारी करते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, वैसे ही इस ONDC पोर्टल से आप खरीदारी कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इस पर मैंने फुल वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिए, आपके बहुत काम की हो सकते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं जैम पोर्टल से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ विभागों में आपको कारोबार करने का मौका देने जा रही है, इसलिए आप छोटे मोटे स्तर पर अपना काम धंधा और उसका व्यापार करने वालों को ग्राहक के लिए कहीं पर टकटकी लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब वह दिन दूर नहीं जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए उपयोगी प्लेटफॉर्म माने जाते थे, सरकार की एक सकारात्मक पहल से आम लोगों के लिए भी सहजतापूर्वक उपलब्ध होंगे, यानी कि आप सरकार को अपना माल बेच सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से जिसका नाम है जैम, GEM। ई कॉमर्स का कारोबार दुनिया भर में दिन दूना रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसका समुचित नाम GEM है नाम से एक पोर्टल बनाया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैम के साथ जुड़कर बिजनेस कर सकता है। कई अर्थों में यह सर्वसुलभ है और सस्ता है, इसलिए आम लोग या कारोबारी इसमें खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आखिर कैसे आप इस पोर्टल से जुड़कर सरकार के साथ बिजनेस कर सकते हैं। एक पोर्टल है ई पोर्टल GEM या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी विभागों को की डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते हैं, जैसे कि इसी भी बाजार में होता है। ऐसा करने के लिए पहले मैन्युफैक्चरर से संपर्क करना होता है और फिर डिमांड आने पर वहाँ से सामान सप्लाई किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सही उत्पाद करता है और सरकार की ओर से निर्धारित स्टैंडर्ड का सामान बना रहा है और जीएम पोर्टल पर अपना माल बेच सकता है, अगर वह सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है तो। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बिक्री कौन कर सकता है, तो यह जान लीजिए कि कोई भी सेलर्स जो टैक्सेबल और सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहा है वह अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। मान लीजिए आप कोई सामान बेच रहे हैं तो GEM पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर अगर भारत सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट उस सामान को खरीदने के लिए टेंडर निकालता है तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद आप भी टेंडर के लिए बोली लगा सकते हैं। यानी कि इसमें पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वह भी बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वह भी बताऊंगा। जैम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। यूजर आईडी बनाने के लिए आपको आपका आधार या पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। यूजर आईडी बनाने के बाद जैम पर लॉगिन करके आप अपने प्रोफाइल पर आप इसका पता, बैंक अकाउंट और अनुभव आदि डिटेल दर्ज करनी होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगने वाले हैं। इसके बाद डैशबोर्ड के कैटलॉग ऑप्शन में जाकर प्रोडक्ट या सर्विस चुनें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए दूसरी जानकारी, इनकी जो वेबसाइट है www.gem.gov.in
उस पर जा सकते हैं आप और इस पर सारी की सारी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन से संबंधित, सामान बेचने से संबंधित सारी की सारी डिटेल में जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए, उद्योग आधार या MCA 21 रजिस्ट्रेशन, बैट 3 नंबर, बैंक अकाउंट और KYC डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, आवास प्रमाण पत्र और कैंसिल चेक होना चाहिए। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सरकार की किसी भी खरीद के टेंडर की जानकारी सेलर्स को SMS और ईमेल के जरिए दी जाएगी। इससे आप सरकारी कंपनी में भी अपनी सर्विस दे सकते हैं, अपना माल बेच सकते हैं। टेंडर निकलेगा तो उसकी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। सरकार की इस पहल के अंतर्गत लगभग 35 लाख हैंडलूम वर्कर और 27 लाख हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना है ताकि वे आसानी से अपना माल बेच सके। ई पोर्टल के जरिए बिजनेस में बिचौलों का काम खत्म करने की तैयारी है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा को भी तेजी मिलेगी। GM पोर्टल पर 30 अगस्त 2021 तक 28,000 कारीगरों और 149,422 बुनकरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आप भी अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने देश के बुनकरों और कारीगरों को ई कॉमर्स के जरिए बाजार उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिसके लिए वह सभी को GM पोर्टल का या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से जोड़ने जा रही है। इससे आप खुलकर सरकार के साथ कारोबार कर पाएंगे। इस ई कॉमर्स पोर्टल से आपकी मोटी कमाई होगी क्योंकि आपको घर बैठे ही खरीदार मिल जाएगा। खास बात यह है कि केंद्र सरकार का यह अभियान विभिन्न राज्यों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसके तहत बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद को सीधे सरकारी विभागों को बेच रहे हैं। इसमें कारीगरों, बुनकरों, सूक्ष्म उद्यमियों, महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह आदि विक्रेता समूहों की भागीदारी बढ़ रही है, जिन्हें अब तक सरकारी बाजारों तक पहुँचने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए सरकार अपने सभी विभागों को GM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जोड़ा हुआ है, जहां छोटा बिजनेसमैन भी अपना सामान उचित कीमत पर बेच पा रहा है, क्योंकि इसके लिए बोली लगती है और सबसे कम बोली लगाने वाले व्यक्तियों को यहां बिक्रय का मौका दिया जाता है। जैसे कि टेंडर निकलते हैं और जो भी प्रॉफिट सरकार को देगा, जो भी सबसे कम दाम में अपना माल बेचेगा, सरकार उसी को टेंडर दे देती है और उससे ही सारा माल खरीद लेती है सरकारी विभागों के लिए। देखिए, इनकी जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथियों, भारत सरकार की तमाम नई नई जानकारी, तमाम नई नई योजनाएं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगी। आप वह भी देख लीजिए, आपके काम की हो सकती हैं। और इससे पहले विभिन्न जी देखिए कोलगेट और HDFC बैंक और महिंद्रा फाइनेंस, भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जा रही थी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कुछ छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। उसमें क्राइटेरिया था, अगर आप टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट देके भी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आगे आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी आप जो है टेस्ट दे करके स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऊपर अभी वह वीडियो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऊपर आल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि घर बैठे आपको भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम नई योजनाओं की जानकारी मिलती रहे।